हेलो दोस्तों, मैं हृदय टूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सूर्य मंदिर। जी हाँ, राजस्थान का सूर्य मंदिर जो कि अपने अद्भुत कला और साहित्य के लिए जाना जाता है। सूर्य मंदिर जिसे पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है, बड़ा मंदिर भी कहा जाता है और सात सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है, ये अपनी विशेष कला शैली के लिए जाना जाता है और ये झालरापाटन में स्थित है। झालरापाटन के बीचों बीच में स्थित है। झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था और नागर शैली में इसको बनवाया गया था। इसकी तुलना कोणार्क के सूर्य मंदिर से की जाती है। शिल्प कला की दृष्टि से 10वीं सदी का आकर्षक व संपूर्ण सुरक्षित मंदिर है ये। कच्छ पे घात शैली में निर्मित इसका विशाल काय शिखर 98 फीट ऊँचा है। मंदिर का सभा मंडप 52 स्तंभों से युक्त है जिसमें घट पल्लव व मयूराकृतियाँ बनी है। इसके तीनों ओर तोरण द्वार है। शिल्पांकन में शिव वैष्णव शाक्त दिग्पाल नवग्रह की प्रतिमाओं सहित नृत्य वादकों के पट तथा साधुओं की योग क्रियाओं का अंकन है। इसके मूल रूप से रखी गई सूर्य प्रतिमा अब नहीं है। इसमें जो मूल रूप से सूर्य प्रतिमा रखी गई थी अब नहीं है, उसकी जगह पद्मनाभ भगवान की प्रतिमा रखी गई है जो कि आपको वीडियो में दिखा दी गई है। भगवान पद्मनाभ को भगवान विष्णु भी कहा जाता है जो कि 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रतिमा है। इसे भी नागर शैली में बनाया गया था। आप याद रखना, सूर्य मंदिर को पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है, बड़ा मंदिर भी कहा जाता है और सात सहेलियों का मंदिर भी इसको कहा जाता है। मंदिर का निर्माण सूर्य की रथ की भांति हुआ है जिसमें 7 घोड़े जुते हुए हैं। मंदिर का निर्माण सूर्य के रथ की भांति हुआ है जिसमें 7 घोड़े जुते हुए। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर का नाम दिया था। इस मंदिर में मूर्तियां इस तरह से बनी हुई है, लगता है मानो सभी जीवंत है। इसमें जो साधु की मूर्ति है माला पहनते हुए, ऐसा लगेगा जैसे कि वो असली में भी माला पहन रही है। मूर्तियों के पांव के अंगूठे व हाथों की उंगलियां देखने लायक है। मूर्तियों में केश विन्यास जटा पगड़ी और मुखाकृतियाँ एकदम जीवंत लगती है। ये आप खुद देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि कैसे इसमें जगह जगह मूर्तियाँ लगी हुई है, किस तरह से इसको बनाया गया है और ये झालरापाटन के बीचों बीच स्थित है। इसको राष्ट्रीय धरोहर भी नहीं घोषित किया गया है, राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया गया है। और ये इतना अच्छा मंदिर, इसके आसपास कब्जा हो चुका था लेकिन अब उस कब्जे को हटा दिया है। फिर भी फूल पत्ती वालों ने धीरे धीरे इस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसकी जो सुंदरता है वो देखने लायक है, लौकिक है। ये बहुत सुंदर मूर्ति है। इस मंदिर की तुलनाएं वे कोणार्क के सूर्य मंदिर से की जाती है। और सूर्य मंदिर तो आमेर में भी है, लेकिन जो झालरापाटन का सूर्य मंदिर है, ऐसा मंदिर आपको राजस्थान में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस मंदिर को देखने के बाद आपको लगेगा कि साक्षात सूर्य भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं। भगवान पद्मनाभ की यहाँ पर मूर्ति रख दी गई है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ये याद रखना, आप 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था और नागर शैली में इसका निर्माण करवाया गया था। ये जैसा कि मैंने बताया, ये मंदिर अलौकिक है, देखने लायक है। वो झालरापाटन के बीच में स्थित है। झालरापाटन कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ में है और झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर कार्तिका मेला लगता है। उसके अलावा यहाँ पर चंद्रभागा नदी भी है। झालरापाटन में नवलखा किला भी है। उसके अलावा झालावाड़ में गागरून का किला है जहाँ पर मिट्टेशाह की दरगाह है। उसके अलावा जो गागरून का किला है वो दोनों तरफ से काली सिंधु राहू नदी से घिरा हुआ है। वहाँ पर दोनों का संगम होता है और गागरून का आगे की ओर देखने पर ही आपको पता चलता है कि वहाँ पर संत पीपा जी की भी दरगाह है। संत पीपा जी का पनोरमा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो संत पीपा जी का पनोरमा भी गागरून के पास में ही, काली सिंधु नदी के जस्ट पास में ही बना हुआ है। पनोरमा वसुंधरा जी की सरकार ने बनाया है। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।